इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि सफर में सफर ना हुआ तो सफर कैसा। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज है हमारा लास्ट डे मैक्लोडगंज में, तो अभी मैक्लोडगंज से निकल रहे हैं धर्मशाला के लिए। और आज जो हमारा प्लान है वो हम सोच रहे हैं कि अब हम जाएंगे धर्मशाला से बस लेंगे चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैक्लोडगंज से या धर्मशाला से शाम को बस है और उसमें भी सीट्स अवेलेबल नहीं है। लास्ट की दो तीन सीट्स अवेलेबल हैं और हमें चार लोग तो पॉसिबल नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं धर्मशाला, यहाँ से टैक्सी लेंगे मैक्लोडगंज से, फिर धर्मशाला जाएंगे और धर्मशाला जाने के बाद हम बस लेंगे वहाँ से और फिर बाकी अपडेट करते हैं वहाँ से फिर। तो चलिए फिर सफ़र में साथ में बने रहिएगा, आज का दिन भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे। तगड़ी जान, अजय ही करेगा। कैफे है मेरा ही दुकान। अच्छा कैफे आपका ही? टैक्सी यूनियन का प्रधान हूँ मैं यहाँ का ना। अच्छा, अरे अंदर सही लोग खाते हैं। 700 गाड़ी है हमारे यहाँ। अच्छा, सामने रखता हूँ, नहीं जानेंगे तो मुश्किल हो जाता है। पर प्रधान को इतनी पुरानी गाड़ी क्यों दी है इन्होंने, ये बताइए मेरे को तो पहले। ऐसा नहीं है, ये लोकल है, ये आपको नहीं अपने इच्छा से गलू में चलती है ना ये। अच्छा अच्छा, गलू कच्चा रोड है, कच्चा रोड है, छोटी गाड़ी सी है, अंदर निकल भी नहीं पाएगी। गलू में चलते चलते हो जाती है ना, वहाँ पर 20-25 हज़ार रुपये साल के लगाने ही पड़ते हैं। जी जी जी, वहाँ गाड़ी चलानी है, मेरे पास दूसरी स्विफ्ट है ना। अच्छा अच्छा, गाड़ी की कहीं दूर जाना होता है जी, लोकल गलू ज़्यादा चलते हैं। गड़ों की गाड़ियाँ आपको ऐसे ही मिलेंगी। हाँ, थोड़ी कंडीशन ऐसी कच्चा है ना रोड बिल्कुल। जी जी, कितनी दूर है यहाँ से? बैडमिंटन से त्रिवेण नहीं जाते? अच्छा, ट्रेन वाले रूट पे। त्रिवेण वाला रूट कच्चा है ना। अच्छा, ये गड़ों से निकल। ओके, बिल्कुल ही कच्चा है। हाँ हाँ, मैक्लोडगंज से धर्मशाला आ गए हैं और अब हमारी बस है आज की। अब हम जा रहे हैं यहाँ से चंडीगढ़ के लिए जा रहे हैं। फिर तो चंडीगढ़ वाला रूट इसलिए ले रहे हैं कि थोड़ा सा रश है और डाक टिकट्स नहीं मिले, तो चंडीगढ़ जाएंगे, वहाँ से दिल्ली के लिए निकलेंगे। और हमारे साथ हमें छोड़ दिया है मैक्लोडगंज से धर्मशाला के लिए, क्या नाम हुआ आपका? परमचंद नेहवाल, और ये यहाँ के टैक्सी यूनियन के हेड हैं, प्रेजिडेंट हैं। तो सुबह सुबह इनसे मुलाकात हुई, दिन तो वैसे ही अच्छा हो गया हमारा, तो अब इनका आशीर्वाद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आए तो इनसे जरूर मिलिएगा। थैंक यू, ओके, मिलते हैं। ये HRTC का बुकिंग काउंटर है, यहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी अपना पूरा यहाँ से सारी बसेस लगेंगी, यहाँ पे सारी बसेस यहाँ मिल जाएंगी आपको। भाई सीन कुछ ऐसा हुआ है, अभी निकले हैं यहाँ से, कहाँ से निकले? धर्मशाला से निकले हैं, अभी कांगड़ा जा रहे हैं और कांगड़ा जाके हम बस लेंगे। कांगड़ा जाके अपडेट करता हूँ कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि हम कांगड़ा जा रहे हैं पहले, और कांगड़ा जाके हम फिर वहाँ से बस ले रहे हैं, वहाँ जाके अपडेट करते हैं आपको। बने रही सफर में, आज बहुत एडवेंचर होने वाला है, पूरे रास्ते ट्रैवलिंग है आज, और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप देखते रहना। यहाँ से चेंज कर लेना, उतर गए कांगड़े और दूसरी बस ले रहे हैं और चेंज कर रहे हैं दूसरी चंडीगढ़ के लिए, बस निकल रहे हैं यहाँ से। भाई अब बैठ गए, सवार हो गए हैं,
चंडीगढ़ वाली बस में, हिमाचल रोडवेज की बस है, तो अभी सवार हो गया चंडीगढ़ के लिए और यहाँ से चंडीगढ़ जाएंगे अब। और मेन ये है कि हमें कांगड़ा क्यों आना पड़ा, ये स्टोरी अभी बाकी है, ये बाकी है, ये हमें अभी तरुण बताएंगे क्योंकि सारा मैनेजमेंट तरुण ने देखा है, थोड़ा बहुत हमें पता है, तरुण आपको अच्छे से बताएंगे और ये आप जरूर एक्सपीरियंस करना और आगे ध्यान रख रहे हैं इन बातों का खासकर। तरुण भाई क्या एक्सपीरियंस हुआ, कांगड़ा क्यों आना पड़ा यार? हाँ, ये तो वैसे ये लगता है एक्सपीरियंस होगा, जाना तो मिला सीधा चंडीगढ़। केस ये हुआ कि हमने रेड बस से कर ली थी, इसमें ये था और बसेस तो वहाँ पे अवेलेबल थी, इन्होंने बाद में फोन किया, फिर इन्होंने वहाँ से दूसरी कोई पंजाब बस थी उसमें बोर्ड करवाया और फिर हम कांगड़ा में। अब एक और बस वहाँ से वापस धर्मशाला से आई है और उसमें उन्होंने कहा कि इसमें आप जाइए और इसमें आप पहुँच जाएंगे तक। लेकिन मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ये इनका मैनेजमेंट कुछ इशू है, मैनेजमेंट इशू लगा मुझे हिमाचल ट्रांसपोर्ट का और पंजाब वालों का, कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत आई तो ये डायरेक्ट वहां तक करवा सकते थे, ये कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है करवाने की। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि आए तो मतलब मोरल ये है कि कभी भी ऑनलाइन बुक मत करना, बुकिंग मत कराना, धर्मशाला बस स्टैंड पे जाना और वहां से फिर आप देखना आपको आराम से बस मिल, लगभग हर 15 मिनट मेरे ख्याल से हम लोग बैठे हुए थे, नाश्ता भी किया हमने वहां पे, देखा आपने आपको ब्रेकफास्ट किया, तब तक हमने देखा 15 मिनट पे बसेस आ रही थी, 15 से 20 मिनट। ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से ना कराए, मतलब सिर्फ रेड बस कौन नहीं कह रहे बट किसी भी बस से, किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से ना कराए, ये एक्सपीरियंस है। बाकी आप चंडीगढ़ चल के देखते थे उतर गया, बस अपनी छोड़ के जा चुकी है, चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, तो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, कांगड़ा से चंडीगढ़ आ गए हैं। इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि सफर में सफर ना हुआ तो सफर कैसा, तो फाइनली हम चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और अब चंडीगढ़ से हमें जाना है सेक्टर 34 और क्यों जा रहे हैं वो सेक्टर 34 जाके बताते हैं, चलिए फिर अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। और मौसम भी आज साथ दे रहा है अपना, मौसम भी बहुत अच्छा है। ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के ऑफिस में चंडीगढ़ में है, यहाँ से हमने बस बुक करी है दिल्ली के लिए, तो चंडीगढ़ से हम दिल्ली जा रहे हैं और रेड बस से हमने बुक किया है और रीज़नेबल रेट हमें मिल गया, 590 का पर टिकट हमें मिला है, हम चार लोग हैं, 590 का पर टिकट मिला है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत सही है। और जैसा मुझे लग रहा है कि बस की कंडीशन भी बहुत अच्छी होगी, बाकी अभी पहुँच के दिखाते हैं, बस अभी लगी नहीं है, बस अभी लगेगी उसके बाद आपको दिखाते हैं, चलिए बाकी अपडेट करते हैं आगे चल के। तो अभी पहुंच गए हैं
एक स्टे हुआ है मयूर ढाबा पे, मयूर ढाबा पहुँचे, 20 मिनट्स का ब्रेक है, उसके बाद आगे फिर दिल्ली मिलते हैं सीधा। वीडियो फिर यही वाइंड अप करते हैं और उम्मीद है आपको मैक्लोडगंज धर्मशाला वाली सीरीज बहुत पसंद आई होगी, जो वीडियो से बहुत पसंद आए होंगे। तो वीडियो यही वाइंड अप करते हैं और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। पापा जी हाँ जी यार, अब पर वापस जाने का मन नहीं कर रहा है, इतना सही मौसम है, बढ़िया एकदम, अभी बारिश का मौसम ही है, वापस जाने का मन नहीं कर रहा है दोबारा गर्मी में। पर यार 44 डिग्री यहाँ है, वहाँ 24 है, 22 है, तो बहुत फर्क है यार। अब वही है जो चल रही है जिंदगी, वो तो चलानी पड़ेगी। बाकी वीडियो देखो, लाइक शेयर कमेंट करो, सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी करो, और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर देना, और कमेंट से बताओ कि कैसा लगा पूरा, ये वीडियोस कैसे लगे सारे, कमेंट जरूर करना। और अगर मैक्लोडगंज धर्मशाला से कोई रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, या आ रही है इंस्टाग्राम की ID स्क्रीन पर, तो आप DM कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। बहुत जल्दी अब नेक्स्ट ट्रिप पर निकलेंगे, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.